सर सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर का जल्दी टीजर देखने को मिलने वाला है, क्या लगता है कब तक आएगा? जी हाँ, देखिए पठान के साथ सुनने को काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि पठान के साथ आएगा, ऐसा होगा, पठान के साथ रिलीज होगा। उसके पीछे रीजन ये सुनने को मिल रहा है कि वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान भी है, वो सिद्धार्थ आनंद की ही डायरेक्शन फिल्म की फिल्म होने वाली है फाइटर, जिसमें हमको फाइटर के रूप में मतलब पायलट के रूप में देखने को मिलने वाला है ऋतिक रोशन और साथ में दीपिका पादुकोण भी, और दीपिका भी इस फिल्म का भी हिस्सा है पठान का। तो वो सारी चीजें ऐसे फैक्टर मैच कर रहे हैं, इस वजह से कहा जा रहा है कि वो पठान के साथ देखने को मिलने वाला है। हालांकि है मुश्किल काफी ज्यादा, लेकिन होने को हो भी सकता है देखिए, क्योंकि फिल्म अगर आप रिलीज मुश्किल क्यों है मैं पहले ये बता देता हूँ। मुश्किल इसलिए क्योंकि रिलीज डेट में एक साल का फर्क है ना, अब ये 25 जनवरी को अभी इस साल लग रही है और 25 जनवरी को फिर अगले साल और कब लगने को मिलने वाली, कितने टाइम के बाद देखने को मिले, 2024 में फिर वो देखने को मिलेगी, तो ऐसे में एक साल का लंबा गैप है। तो एक साल पहले आमतौर पर टीजर हमारे यहाँ हिंदी फिल्मों में नहीं दिया जाता, लेकिन वहीं सिद्धार्थ आनंद का भी अपना एक नाम क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखें एज अ डायरेक्टर वो इमर्ज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, है ना, बचना हसीनों वगैरह उन्होंने एक जमाने में डायरेक्शन की थी, तब उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन बैंग बैंग वॉर इनकी वजह से उनका नाम अच्छा क्रिएट हो गया, पठान की वजह से और नाम बढ़ रहा है। ऐसा मुझे लगता है शायद उनका ये टीजर देखने को मिल सकता है इस फिल्म के साथ। उसके पीछे रीजन एक ये भी मैं कहूंगा कि इतने लंबे गैप के बाद, क्योंकि अगर आप देखें तो टाइगर जो था सलमान की टाइगर जो फिल्म थी उसका अनाउंसमेंट वीडियो हमने कब देख लिया था, अनाउंसमेंट टीजर वो कहा जा रहा था वो कब देख लिया था, और फिल्म अब कब आ रही है, अगले साल, मतलब 1.5 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त में आपने उसका अनाउंसमेंट टीजर देख लिया। तो ऐसे में बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि वो भी फाइटर भी एक बड़ी फिल्म है, कोई एरी गेरी फिल्म तो नहीं है कि एक दो महीने पहले नाम किया प्रमोशन किया और चल गई, है ना। वैसे भी ऋतिक रोशन अपने करियर में कम फिल्में करते हैं, जिस प्रकार से विक्रम वेधा का भी अगर आप देखें, जनवरी में उनका बर्थडे था, जनवरी में पोस्टर दिया था उन्होंने विक्रम वेधा का और हाइप हो गई, तो फिल्म कब लगी है, अगस्त में जाकर लगी, सिर्फ पोस्टर दे दिया था उन्होंने, तभी इतना हो गया था ऋतिक रोशन के बर्थडे पे। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि शायद ऋतिक रोशन का इसमें भी देखने को, और उस रीजन ये भी ना, ऋतिक रोशन खुद भी तो वॉर के कैरेक्टर हैं, कबीर का कैरेक्टर करते, तो वो भी खुद भी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बातचीत सुनने को मिल रही है कि फाइटर का टीजर या हमको अनाउंसमेंट वीडियो अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिल सकता है इस फिल्म के साथ पठान के साथ। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पठान तो ज़बरदस्त चलना ही है।